नमस्कार दोस्तों, घरेलू आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से घर बैठे आप अपने दांतों के जिद्दी पीलेपन से, दांतों की गंदगी से, दांतों की बदबू से किस प्रकार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने दांतों को मोती जैसा सफ़ेद किस तरह बना सकते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग गुटखा, बीड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं, उन सभी लोगों के दांत जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, पीले दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं, और उनके मुंह से बदबू भी आने लगती है, जो कि आगे चल करके उनके दांतों पर नुकसान होता है और उनके दांत कमज़ोर होने लगते हैं। पर साथ ही साथ आजकल युवा लोगों में भी यह सब समस्या देखने को मिल रही है, यानी कि जो लोग 15 से 25 साल की उम्र के हैं उनके भी दांत गंदे पीले दिखने लगते हैं, उनको दाढ़ का दर्द रहने लगता है और उनके दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। और दोस्तों, यह सब जो समस्याएँ आजकल के गलत खान पान की वजह से होती हैं, क्योंकि आजकल जो बाहर का खाना होता है उस सभी बाहर के खाने में बहुत ही ज़्यादा गंदे तेल का प्रयोग किया जाता है, एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों की परत खराब होती है, आपके दांत सड़ने लगते हैं, आपके दांत पे जिद्दी पीलापन बैठ जाता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि किस तरह से नुस्खा बनाया गया है और किस तरीके से आपको इसको सेवन में लेना है। तो चलिए चलते हैं नुस्खे की ओर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने चावल ले रखा है और ये मैंने ले रखा है पुदीना, जो कि हरा पुदीना है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल ताजा हैं। तो आपको करना है कि दोस्तों, आपको सबसे पहले लेना होगा चावल का आटा इस तरह से। अब आपको एक खाली कटोरी लेनी है और उसके अंदर जो है आपको एक चम्मच चावल का आटे का डालना है। दोस्तों, ये आपका जो नुस्खा है ये एक समय के लिए बनकर तैयार होगा, तो इसलिए आपको एक चम्मच चावल का आटा डालना है। अब इसके बाद आपको लेना होगा हरा पुदीना। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हरा पुदीना और दोस्तों ये है डाबर पुदीना हरा। तो दोस्तों, आपको जो है डाबर पुदीना हरा लेना है, और आपको करना क्या है कि आपको मात्र 2 कैप्सूल जो है डाबर पुदीना हरे का लेने हैं और इसके अंदर ये मिला देने हैं। तो आपको इसको करना कैसे है, इस तरह से आप इसको जो जब इसको दबाओगे तब इसमें से ऑयल निकलता है, तो इसी तरीके से आपको इसको भी दबा करके ऑयल निकालना है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि इसमें से कैसे ऑयल निकलता है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से सारा बाहर आ रहा है। तो इसी तरह से जो है आपको इसके अंदर ऑयल ले लेना है। अब हम इसके अंदर लेंगे लौंग। दोस्तों, लौंग जो है जिन लोगों के दांतों में दर्द रहता है, जिन लोगों की दाढ़ में दर्द रहता है, जिनके दांतों में कीटाणु लग गए हैं या जिनके मसूड़ों से खून निकलता है, तो ये उनके लिए एक वरदान का काम करती है। आपको करना क्या है कि आपको मात्र 2 लौंग लेनी है इस तरह से, और इसको जो है आपको तोड़ के इसके अंदर इस तरह पीस के डाल देना है। अच्छे तरीके से जो है आपको इसको इसके अंदर पीस के डाल देना है। अब इसके बाद आपको इसके अंदर लेना है थोड़ी सी मात्रा में कोलगेट। जितना आप सुबह ब्रश में यूज़ करते हो उतना आपको जो है कोलगेट लेना है। और अब इसके बाद जो है हम इसको मिक्स करेंगे। तो चलिए अब इसको जो है मिक्स करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको मिक्स करने लगोगे तो ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जो ये नुस्खा है ये अच्छे तरह से बनके तैयार हो गया है। आपको करना क्या है कि आपको इसको एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3 से 4 बार जरूर इस्तेमाल में लेना है, और आपको जो है इसको सुबह शाम लगाना है, यानी कि एक बार जब आप सुबह उठोगे तब लगाना है, और एक बार जब आप रात का खाना खा लोगे उसके बाद आपको इससे ब्रश करके सोना है। तो आपको जो है दोस्तों इसको इसी तरीके से लेके अपने दांतों को जो है इससे अच्छे तरह से मंजन करना है, वो भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक मंजन कीजिएगा, और उसके बाद जो है साफ पानी से कुल्ला कर लीजिएगा। तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए आज का नुस्खा, जो आपके दांतों की सारी समस्याओं को खत्म करेगा, साथ ही साथ आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन से, आपके दांतों की बदबू से हमेशा हमेशा के लिए राहत देगा आपको, और आपके दांतों को मोती जैसा सफेद बना देगा। तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए आज का नुस्खा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि दूसरों की फ्री में हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल पे अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गई बैल को दबाएं। बैल दबाने से आपके पास जो हमारी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले पहुंच पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।